अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जियोग्राफर थिंकिंग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एस्ट्रोनॉमी के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कि एस्ट्रोनॉमी क्या है, यूनिवर्स क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है। तो आए जल्दी से इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एस्ट्रोनॉमी को यूनिवर्स की स्टडी कहा जाता है और सेलेस्टिक बॉडी, डस्ट और गैस वगैरह जो इनमें पाई जाती हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। एस्ट्रोनॉमी बेसिकली ऑब्जर्वेशन और थ्योरी के ऊपर बेस करती है। जितनी भी आपको एस्ट्रोनॉमी के बारे में ऑब्जर्वेशन वगैरह है, आप नॉलेज को कुछ भी लेते हैं, वो सब जो है वो थ्योरी और ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। हमारे सोलर सिस्टम के बारे में, हमारे स्टार के बारे में, गैलेक्सी के बारे में और जितनी भी दूसरी गैलेक्सीज हैं उनके बारे में, जिनको हम यूनिवर्स कहते हैं। तो यूनिवर्स को हम इस तरह करेंगे, द टोटैलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, मींस के हर वो चीज जो के मौजूद है या पाई जाती है, इंक्लूडिंग ऑल मैटर एंड एनर्जी। इसमें हम मैटर और एनर्जी को भी इंक्लूड करते हैं, प्लैनेट्स को, स्टार्स को, गैलेक्सी को, तो जितने भी के अलावा इंटरगैलेक्टिक स्पेस कंटेंट है, उन सबको जब ओवरऑल हम हर चीज को टोटल करते हैं तो उनको हम यूनिवर्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है ये डिवेलप हुआ था एस्ट्रोनॉमी के लिए। ये क्यों डिवेलप हुआ था? वो इसलिए हुआ था कि बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर को और साइंटिस्ट को एस्ट्रोनॉमी के डेटे को या लेंथ, मास वगैरह को रिप्रेजेंट करने के लिए उस टाइम मुश्किल हो रही थी, क्योंकि उस टाइम सबसे पहले ऐसे यूनिट में तमाम जो एस्ट्रोनॉमिकल डेटा था वो रिप्रेजेंट किया जाता था। लेकिन उन्होंने ये कहा कि इस तरह बहुत ही मुश्किल हो जाता है एस्ट्रोनॉमी के डेटे को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उन्होंने ये सोचा कि एक अलग सिस्टम होना चाहिए। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 1976 में ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को अडॉप्ट किया। उसके बाद 1994 और 2009 को ये अपडेट भी हुआ। एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है ये ट्राई डायमेंशनल सिस्टम है और ये डिफाइन करता है यूनिट ऑफ लेंथ को, मास को और टाइम। सबसे पहले देखते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ टाइम क्या है। ये डिस्टेंस के बारे में होता है। द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ टाइम जो है ये डे के ऊपर है। टाइम वहां पे जो एस्ट्रोनॉमी में शो करते हैं वो एक दिन के हिसाब से होता है, जो कि 86,400 सेकंड के इक्वल होता है और 365.25 डेज के अकॉर्डिंग होता है, जो कि 1 जूलियन ईयर बनाता है। इसको हम डी, कैपिटल डी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ मास। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ मास को इन्होंने सोलर मास के अकॉर्डिंग दिया था कि 1 सोलर मास जो है वो 1.98892 × 10⁻³० जो है इसका स्टैंडर्ड वे है एक्सप्रेस करने के लिए। किसी भी मास को जब हम एक्सप्रेस करेंगे एस्ट्रोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको इन्होंने जितने भी स्टार्स हैं या गैलेक्सी हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने ये मास का यूनिट लिया था, और इट इज इक्वल टू मास ऑफ द सन। इस सन के इक्वल उन्होंने रखा था स्टैंडर्ड वे बनाने के लिए। आगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ लेंथ। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ लेंथ जो है ये डिफाइन करता है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन। तो अप्रोक्सीमेटली जो है 150 मिलियन किलोमीटर जो है इन्होंने इस लेंथ को लिया था। और अगर बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस हो तो मीन्स के ह्यूज डिस्टेंस को शो करने के लिए इन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में लाइट ईयर और परसेक यूनिट को लिया था। लाइट ईयर जो है ये डिस्टेंस है कि वो लाइट जो ट्रेवल करती है एक साल में किसी भी वैक्यूम एरिया से, मीन स्पेस से ट्रेवल करके वन प्लेस से दूसरी प्लेस जाते हैं, विच इज अबाउट 5.8 × 10⁻½ माइल्स के अकॉर्डिंग था और 63,240 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के अकॉर्डिंग था। नेक्स्ट इज परसेक। ये ऐसा यूनिट है जो डिस्टेंस को शो करने के लिए अडॉप्ट किया गया था। ये इक्वल होता है 3.26 लाइट ईयर के अकॉर्डिंग और इट इज द डिस्टेंस एट विच स्टार वुड हैव अ पैरेलल ऑफ 1 सेकंड ऑफ आर्क। ये वो डिस्टेंस लिया गया था कि जब कोई भी स्टार जो है वो 1 सेकंड आर्क के अकॉर्डिंग जब पैरेलल अपनी शेप को अडॉप्ट करेगा तो कितना डिस्टेंस होगा, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने परसेक जो यूनिट है वो अडॉप्ट किया था। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।